मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज़ ट्रेलर मुझे दोनों ही पसंद आए थे, दोनों ही बहुत अच्छे थे। जितने गाने निकले हैं वो लूप पे चल रहे हैं आजकल मेरे गाड़ियों में, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज़ द एल्बम इज़ सो रिच। हर तरीके के गाने हैं, टाइटल भंगड़ा पाले है तो पंजाबी भी है, बट इट्स ऑल्सो फ्यूजन ऑफ दिस अर्बन ट्रैक्स जो आज के ज़माने का है, क्योंकि दो ज़माने दिखाए गए हैं पिक्चर में। तो बहुत खूबसूरत है और मैंने पिक्चर देखी हुई है, तो मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा कि सब समझेंगे मेरा भाई है इसलिए बोल रहा हूँ, बट बहुत प्यारी फिल्म है और आई रियली होप कि सब जाएँ देखें और इन्जॉय करें, फैमिली के साथ जाएँ, दोस्तों के साथ जाएँ, और बहुत अच्छे टाइम पर आई है। 3 जनवरी है रिलीज डेट, बिल्कुल आप न्यू ईयर पार्टी से सारे रिकवर हो चुके हैं, रिसर्फेस हो चुके हैं, अब जाके अब आराम से एक अच्छी पिक्चर देखिए। आपने क्योंकि फिल्म देखी है तो थोड़ा सा आप बताइए कि क्या भांगड़ा पाले हाला डांस होगा, भांगड़ा होगा और थोड़ा कुछ बताइए। हर तरीके का डांस है, भांगड़ा तो है ही है, उसके अलावा आजकल के जो पॉप और हिप हॉप और ये सब कुछ दिखाए, मैं बता नहीं सकता। मेरा पहला रिएक्शन फिल्म देखने के बाद ये था, स्नेहा को मैं पूछ रहा था कि कितना नचाया है इनको, कितना नचाया है इनको। तो आप जो कहते हैं ना कि डायरेक्टर हमेशा उंगलियों पे नचाते हैं, वो सच में किया हुआ है इस फिल्म में। As you can see, Vicky Kaushal being really, really emotional for his brother Sunny Kaushal, and of course, Vicky has made a mark for himself in Bollywood, and here he is extending all his support for his brother who's just started out in the industry. हमने उन्हें Gold में देखा था, उनकी debut film थी Gold में. लेकिन we all know that Gold was an Akshay Kumar film, of course, and he played a part in it. And technically देखा जाए, this can be called his actual debut with Bhangra Pale, जो आज रिलीज हुई है. And unfortunately, social media पर फिलहाल जो reviews आ रहे हैं which are not really good, लोग कह रहे हैं the film is really lengthy, the sloppy direction, people are not liking the screenplay of the film. वैसे लोग सनी कौशल की इस फिल्म में काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, they're talking about how he's brilliantly pulled off his performance, and they're also complimenting Rukhsar Dhillon in the film with her performance as well, but because of the direction, it's been directed by Sneha Taurani and it's produced by Ronnie Screwvala. Well, we'll have to really wait and watch for the future of Bhangra Pale because it's too early to decide. It's just day one, and let's not be biased on only a few reviews that are out right now. क्योंकि अगर लेकिन एक चीज है कि इसे avoid नहीं कर सकते, that there is a huge competition at the box office. Of course, we have good news. Akshay Kumar, करीना कपूर खान, दिलजीत दोसांझ, कियारा अडवाणी की फिल्म जो ऑलरेडी बॉक्स ऑफिस में कमाल कर रही है, इट्स ऑलरेडी क्रॉस्ड 100 crores, एंड देयर इज अनदर फिल्म व्हिच इज अ डेब्यू फिल्म फॉर टू एक्टर्स हियर, अक्षय खन्ना भी है उस फिल्म में. वी आर टॉकिंग अबाउट द फिल्म सब कुशल मंगल, जिसमें रवि किशन की डॉटर डेब्यू कर रही है रीवा किशन. वी ऑल्सो हैव प्रियांक शर्मा हु इज डेब्यूइंग इन दिस फिल्म, एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट द ग्रेट कॉमिक टाइमिंग ऑफ अक्षय खन्ना, and they are kind of liking this film. So like I said, audience batti zarur hai with good news and Sab Kushal Mangal and Bhangra Pale, and we'll just have to wait and watch how Bhangra Pale does over the weekend and next week, and let's hope for the best for Sunny Kaushal and Rukhsar.